महायुद्ध में इंटरवल के बाद की स्क्रिप्ट पर ज़ेलेंस्की ने एक्शन शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने रूस की सीमा पर बहुत बड़ा हमला किया है। हमला इतना बड़ा था कि इसे रोकने के लिए रूस ने यूक्रेन के 250 सैनिकों और 16 टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से परेशान पुतिन अब रूस की जमीन पर हमले से बहुत बड़ी फिक्र में डूब गए हैं। मारियोपोल, मेलिटोपोल, क्राइमी, जिस पर पुतिन ने 2014 में कब्जा कर लिया था, ये सारे इलाके पुतिन के हाथ से छीन सकते हैं। मारियोपोल अब पूरी तरह से रूस का हिस्सा हो चुका है। पुतिन खुद इस मारियोपोल में सेना की पीठ थपथपाने पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की के इरादे बता रहे हैं कि वो रुकने वाले नहीं। यहां तक कि रूस को उसके घर में घुसकर मारने की यूक्रेन ने कसम खाई है। मॉस्को हिल गया है, पुतिन परेशान है, कर्नल जनरल हैरान है, तेज तरार खुफिया डिपार्टमेंट सन्नाटे में है। इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा हमला, इतनी हिमाकत, इतना हौसला, रूस पर आक्रमण हुआ है। हवाई नहीं, जमीन, ज़ेलेंस्की की सेना ने डायरेक्ट रूस में घुसने की कोशिश की है। स्क्रीन पर तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन जो विस्फोट दिख रहा है उसकी आवाज, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आवाज, क्रेमलिन के दीवारों को कपा गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता से सुनिए, यूक्रेन ने रूस के साथ क्या करने की सोची थी, रूस को कैसा जख्म देने की फिराक में है रूस, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। В результате умелых и грамотных действий восточной группировки войск потери вооруженных сил Украины составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина. Командующий объединенной группировкой войск, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Герасимов, в этот период находился на одном из передовых пунктов управления. Украинские сенник мари гэ, русский сима мэ дахил нэхи хо пае. Русский сена нэ карара джаваб дия, ор Зеленский кэ шэр мэйдан мэ хи тэр хо гэ. लेकिन क्या इतना काफी नहीं है कि ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमला करने की हिम्मत दिखाई? ये सवाल है कि ये हिम्मत ज़ेलेंस्की को कहां से मिली, इसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले उस जगह को पहचानिए जहां रूस की फौज को पछाड़ कर यूक्रेन के सिपाही रूस में घुस जाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बहुत जोर का झटका दिया है, वो भी तब जब रूस में एक वर्ग की आवाज युद्ध के खिलाफ तेज होती जा रही है। पश्चिमी रूस में नोवाया तवोल झांका गांव के पास यूक्रेन की सेना ने हमला किया। रूस की सेना ने इन लड़ाकों के काफिले को तोप के गोलों से निशाना बनाया। यहां रूस और यूक्रेन के बीच के बॉर्डर की डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। रूस और यूक्रेन के बीच कुल 2295 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसमें 1974 किलोमीटर जमीनी है और 321 किलोमीटर सी बॉर्डर है। ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन की जलीय सीमा मिलती है, लेकिन इस ब्लैक सी पर पुतिन का वर्चस्व कायम है। ये दिगर बात है कि ज़ेलेंस्की ने रूस के युद्धपोत मॉस्कोवा को इसी ब्लैक सागर में समाधि दी थी, लिहाजा इसे रूस को सुरक्षित समझने की भूल अब तो कतई नहीं करनी चाहिए। रूस की जमीन तक यूक्रेन के लड़ाकों का पहुंचना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चिंता बढ़ गई है। ये बहुत असामान्य घटना है। यूक्रेन अपने बूते रूस की सीमा में घुसने की सोच भी नहीं सकता, मतलब सीधा और साफ दिखाई दे रहा है कि सब कुछ वाशिंगटन डीसी से कमांड हो रहा है।
अभी तक रूस की चिंता उसके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले यूक्रेन के ड्रोन थी, जो रूस की सीमा में बेधड़क घुसाते थे। अब यूक्रेन की सेना सीधे रूस पर कब्जा करना चाहती है। Противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении, введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов вооруженных сил Украины при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника. Целью противника являлось прорыв нашей обороны. यूक्रेन के 250 सैनिकों को रूस मारने का दावा कर रहा है। 16 टैंकों को तबाह करने की भी बात रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताई है। यूक्रेन की सेना पीछे हट गई क्योंकि रूस की ताकत का वो मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन रूस जैसे बड़े देश के खिलाफ आर्मी एक्शन हुआ, क्या यही बहुत नहीं है? अब तक दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध को यूक्रेन पर रूस के हमले के तौर पर देखती रही है। यह पहली बार है जब जेलेंस्की की इतनी बड़ी सेना ने रूस पर हमला कर दिया है। 72 घंटों में यूक्रेन विजय की स्क्रिप्ट लिखते लिखते रूस भूल गया कि युद्ध यूक्रेन की जमीन पर होगा, लेकिन उसके साथ खड़ा होगा अमेरिका। यह रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि रूस में घुसपैठ की कोशिश नाकाम होगी, ये जानते हुए भी जेलेंस्की की सेना ने अटैक किया। वो इसलिए कि मैसेज जाए कि रूस का बॉर्डर भी अभेदनीय नहीं है, सुराख उसमें भी हो सकता है। बिल्कुल यही चाह रहा है अमेरिका। फिनलैंड में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यही कहा कि युद्ध में अभी शांति प्रस्ताव की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका नेटो के साथ रूस को चारों ओर से घेर रहा है। इसे रूस के नक्शे से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। रूस की सीमा नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड, सारे देश नेटो के सदस्य हैं, जो पुतिन का दुश्मन नंबर 2 है। नेटो के भरोसे ही जेलेंस्की रूस की सीमा तक पहुंचने का जज्बा दिखा रहे हैं। यह नेटो अगर आज यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दे तो कल की तारीख पुतिन की हो सकती है। यूक्रेन जीत की राह में पुतिन को यही नेटो रोकता है, और यही नेटो अब पुतिन को चारों तरफ से घेर रहा है। आगे देखिए कैसे। रूस की सीमा से जो दूसरे देश मिलते हैं उनमें यूक्रेन का हिस्सा बड़ा है, जो कि रूस के पश्चिमी हिस्से से मिलता है। इस ओर रूस का बहुत बड़ा दोस्त बेलारूस भी है, लेकिन फिनलैंड के तौर पर नेटो के फौज की यहाँ भी तैनाती है। रूस की सीमा से सटे दो और देश बहुत अहम हैं, एक है चीन और दूसरा है उत्तर कोरिया। लेकिन इधर की ओर नेटो का असर नहीं है, क्योंकि चीन भी ताकतवर है। भूगोल रिश्ते बनाता और बिगाड़ता दोनों है, और पड़ोसी बिगड़ जाए तो अंजाम रूस और यूक्रेन महायुद्ध जैसा होना तय है। सवाल है अब रूस की सेना किस तरह से पलटवार की तैयारी कर रही है। इसके डिटेल समझें उसके पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जेलेंस्की के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि कीव पर गिरती मिसाइलों के बीच अब बदले में यूक्रेन ने भी रूस की सीमा वाले इलाकों में हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब लड़ाई रूस के बेलग्रद क्षेत्र में पहुंच चुकी है। हमलों से रूस के लोगों में वैसी ही दहशत बैठ गई है जिससे कीव के लोग 15 महीने से गुजर रहे हैं। यूक्रेन के हमलों में वो क्षेत्र भी शामिल हैं जो रिहायशी हैं। यूक्रेन की सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर 40,000 की आबादी वाला श्रेबेकिनो शहर को यूक्रेन के हमलों से सबसे ज्यादा खतरा है। यह कस्बा अब वीरान है, खौफ पैर पसार रहा है। पहले कीव में कायम हुआ और अब मॉस्को पहुंच रहा है। यूक्रेन ने ये हमले अचानक नहीं किए हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेन बड़े हमले की फिराक में था। पिछले दिनों से यूक्रेन रूस के इलाकों पर लगातार हमला कर रहा है। इसी यूक्रेन के एक गांव पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। 30 मई को भी मॉस्को पर ड्रोन हमले किए गए थे। ड्रोन अटैक के बाद कई इमारतें ध्वस्त हो गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी। यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के आम लोगों को टारगेट किया, लेकिन एयर डिफेंस ने बहुत अच्छे तरीके से खतरे का सामना किया। यह हमला यूक्रेन पर रूसी हमले के जवाब में किया गया, लेकिन यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई के लिए जो रास्ता चुना है वो रूस और रूस के नागरिकों को उकसाने वाला है। पुतिन की चेतावनी जेलेंस्की के लिए ठेले भर की बात बन गई है।
बाइडेन के कान पर जू तक नहीं रेंगते कि पुतिन ने परमाणु चेतावनी दी है। नेटो का यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी है और नेटो के छोटे छोटे देशों में भी रूस को घेरने के लिए सैनिकों की तैनाती विद एटमी पावर हो रही है। रूस पर ताजा हमले के बाद रूस पलटवार जरूर करेगा, लेकिन उसकी तीव्रता कितनी होगी वो दुनिया बखूत और निप्रो की तबाही में देख रही है। यूक्रेन ने पुतिन के जलते दिल में घी डाल दिया है। यूक्रेन की तरफ से रूस के इस दावे पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। यूक्रेन के सेना के अधिकारी ने सिर्फ ये कहा कि लुहांस्क और डोनेस्क में रूस के कब्जे को पूरा होने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। रूस के 23 हमलों को नाकाम किया गया है। यूक्रेन ने इसके पहले भी रूस पर ड्रोन हमले की बात कभी कबूल नहीं की। मॉस्को में 30 जून को 8 ड्रोन अटैक हुए। रूस के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से 3 ड्रोन अपना नियंत्रण खो बैठे और 2 इमारतों से जा टकराए। इसके अलावा बाकी 5 ड्रोन को जमीन से हवा में मार गिराने वाली पंतसीर एस मिसाइल से मार गिराया गया। इससे पहले 3 मई को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से अटैक किया गया था। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमें इसे देखने में बहुत खुशी मिली। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के ज्यादा से ज्यादा हमले होंगे। ड्रोन हमलों से जितना जान माल का नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा असर रूस के लोगों के दिलो दिमाग पर हुआ है। पुतिन जैसे नेता इसे बखूबी समझते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प बहुत कम बचते हैं। परमाणु का विकल्प इतना खतरनाक हो सकता है कि पूरी दुनिया जल जाए, और इस बीच ज़ेलेंस्की पूरी प्लानिंग के साथ काउंटर अटैक कर रहे हैं। रूस पर ड्रोन हमले का असली मकसद है कि बेहद कम लागत वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए रूस इलेक्ट्रॉनिक एंटी ड्रोन इक्विपमेंट्स के साथ महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो। सबसे सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल रशियन S-400 की एक यूनिट की कीमत करीब 7000 करोड़ रुपए है। एक यूनिट में 16 लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं। हर व्हीकल पर 2 बड़ी और 2 छोटी मिसाइलें होती हैं। फिलहाल रूस ऐसी 40 मिसाइल हर महीने बना सकता है। वहीं यूक्रेन जिन सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है उनकी कीमत चंद लाख रुपए है, जैसे DJI मैवी की कीमत महज 2 लाख रुपए है। यूक्रेन इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। एक अमेरिकी F-35 की कीमत करीब 900 करोड़ रुपए है, जिसमें 55,000 ऐसे ड्रोन आ सकते हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले अब रुकते नहीं दिख रहे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि युद्ध अभी और भीषण होगा, संग्राम अभी और छिड़ेगा। बतौर एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका यही चाहता है।